तो ये देखो भाई साहब, उदयपुर से आते ही मेरे कपड़े सारे और इसकी मैंने ड्यूटी लगा दी। क्या ड्यूटी लगाई है तेरी? कैसे कर रहा है शर्ट दिखा? आज ये घर पे काम कर रहा है सही से है। शर्टें सारी वहां सेट कर रहा है, नीचे जीन्स है ना। ये तो मेरी अलमारी का हालत क्या हुई थी? नहीं नीचे नीचे हाँ सेट कर देते हैं, वापस ही करोगे? क्यों? क्योंकि वो आपका ही सामान है, वो मेरी मैनेजर हुआ करा। चलो ये पेंट सारी सेट करा लो, इससे आप तरीके से ना रजेश से वो टूट गया, वो कारपेंटर बुलाना पड़ेगा। चल ये तो अभी जैसे होता है वो सेट कर, ठीक है रजेश? हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया है। आज फिर एक दिन की शुरुआत सनी पाजी ब्लॉग्स के साथ। बस आज लेट हो गए थोड़ा, क्योंकि रात को थक गए थे कल सारी गाड़ी चला के, तो अब 12:30 हो रहे हैं, निकलते निकलते घर से लेट हो ही गए। तो रजेश भी आज अपनी ऑफिस जा रहा है, ड्यूटी में है ना, तो मुझे कह रहा है भैया बॉम्बे आपके साथ चलूंगा। चलेगा तू? है पीछे काम कौन करेगा? अब पीछे काम कौन करेगा? काम अब मैं यहाँ इतने दिन से रुक रहा था, काम एक हफ्ते से। हाँ काम तो हो गया, ये बात तो काम हुआ ना। चल देखते हैं इसको बॉम्बे ले जाएंगे साथ में। है बॉम्बे थोड़ा काम है। अंकल जी कुछ बोल रहे हैं, बॉम्बे काम है? देखो बॉम्बे हीरो बनने जाना है सर, रजेश खन्ना तो है नहीं, आप कौन किससे मिलेगा फिर? है बतेरे हैं, अक्षय कुमार मिल जाएगा, हीरो बनना है इसको भी, जाके थोड़ी ट्रेनिंग लेने जा रहा है बॉम्बे, कह रहा काम है मुझे, चल ले जाऊंगा देखो। ठीक तो ये देखो भाई साहब, काम जो है ना हाईवे का बड़े फुल स्पीड में चल रहा है, निपट जाएगा 6 महीने। पिलर भी खड़े हो गए, 4 बजे खुल रहे हैं, और ये क्रेनें देखो पूरी स्पीड में लगी हुई है, 4 बजे खुल रहा है। तो अभी अमन के साथ जा रहा हूँ मैं रोनी अपने डॉक्टर के पास में। आज 1 महीना हो गया डॉक्टर की डाइट लेते हुए, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा 1 महीने में 6 किलो वेट भी कम हो गया। पता है मानोगे, मेरे को उम्मीद थी कि 2-3 किलो होगा, पर 6 किलो हो गया। अब जाके देखते हैं डॉक्टर बोलेगा क्या, क्योंकि 1 महीने का उन्होंने बुलाया था। तो अमन के साथ स्कूटर पर ही जा रहा हूँ मैं, अमन ने स्कूटर तैयार कर दिया अपना, तो बस देखते हैं, कोई अच्छा बोले तो अच्छा है, टेस्ट कराने को बोलेगा टेस्ट भी करवा लेंगे, बाकी तो वहाँ जाके ही पता लगेगा क्या डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो अभी हम घूमते फिरते आए थे, हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। क्या नाम है आपका बेटे? दक्षदीप। कौन सी क्लास में हो? 8th में। वेरी गुड, बहुत अच्छे हो यार आप तो, पगड़ी बांधा करो और स्मार्ट लगोगे। हेलो भाजी, और भाजी कहीं जा रहे हो? कानपुरी कोहली है। चलो बढ़िया भाजी, ज्यादा देखा करो, चश्मा लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा फोन दूर रखे, टीवी देखा करो, बेस्ट है। ठीक है भाजी, थैंक यू जी। तो कुछ काम आए थे, अब टाइम हो रहा है रात के 11 और 12 बजे, सिमरन का बर्थडे है, 1 घंटे बाद तो घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि रूबी को घर से भी पिक करना है। तो 10 मिनट में रूबी घर तो पहुंच जाऊंगा, रूबी साथ जा रही है 2-3 दिन के लिए रहने के लिए। भाई 11:10 हो गए, 12 बजे बीवी का बर्थडे, एंट्री नहीं मिलेगी। पहुंच जाओगे? है आराम से चलाना, क्या करे, तेज में चलाना, आराम से चलाना। मैं आराम से चलाता हूँ। मेरी बीवी बैठी है। सत श्री अकाल आंटी, ठीक हो? मेरी बीवी का फिकर है। हाय मायरा, हाउ आर यू? फाइन। चले चलो, चले भाई चलो, चलो। तो अभी रूबी को पिक कर लिया, हमारी मायरा को पिक कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर पे। और टाइम देखो भाई साहब, 11:20 हो गए, 12 बजे जाके केक काटना है बीवी का, आज पता नहीं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ से भी घर भी 26 किलोमीटर है, तो कोई बात नहीं, 5 तो मैं गाड़ी तेज भी चला सकता ना, रीजन है कुछ हो रहा है, चक्कर वो भी है ना, अब एक रीजन है, हम गाड़ी तेज चला नहीं सकते, गाड़ी चला रीजन फिर क्या हुआ? नहीं हम गाड़ी जाके बताएंगे सिमरन से, सिमरन से पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर बताएं, बताना नहीं बताना फिर बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है मेरा, हाँ मुंडी ला रही है, ठीक है। अभी 2 मिनट पड़े हैं भाई साहब, 2 मिनट पहले पहुंचा हूँ घर पे, 11:58 पे बताऊ। हाँ भाई 2 मिनट पहले आ गया, हैप्पी बर्थडे, 12 बज गए पूरे, आज बाहर आज मम्मी, ये बर्थडे भी छोरा देखो है, सबसे पहले मैंने कहा फोनो पे। अरे मम्मा को विश तो कर दो, आओ मायरा मामी को सेम हैप्पी बर्थडे। चलो फोन छोड़ो, बाद में करना फोन, विश करो मम्मा को, विश करो, विश करो मम्मा को। दबा दूंगा ना, बस सुबह इतनी लाइटें बहुत है।
तो ये जो केक है ये हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा है, नाम बताने पर उन्होंने बता दिया, इसलिए नाम नहीं बता रहा, बस जिन्होंने भेजा वो ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे पता है, थैंक यू बोलो, सब्सक्राइबर ने भेजा आपके लिए, मुझे ही पता कौन है पर हम नाम ले नहीं सकते अभी, उन्होंने खास मना किया है। Day to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। बहुत बढ़िया। ओए मुंह पे लगा रही है। नहीं, मना है मेरे को। शुगर है फिर भी खा रहा हूँ, बोल रहा नहीं खाना। केक डाल इसके मुंह पे, इसका मुंह डालो केक में, ये बदतमीजी बदतमीजी बोल रही है। तो मम्मी खाना खाने वाली है सिमरन के बर्थडे पे, हैंड धो के आओ चलो। थैंक यू मम्मी, खा रही है ने? तो मैं गिफ्ट तो कोई लाया नहीं, मैं एक्चुअली कोई मीटिंग में फंस गया था, जा ही नहीं पाया गिफ्ट लेने के लिए, क्या करूं मजबूरी थी। कोई बात नहीं, हम देंगे गिफ्ट बच्चों को। हाँ कल एम एस चलते हैं, ठीक है, रोटी वहीं खा लेंगे, कल पार्टी शार्टी करते हैं, जिसने जो गिफ्ट देना है साथ लेके चलेगा, ठीक है। और 1 अप्रैल को मेरा भी बर्थडे है, जिसने देना कल ही दे देना। आज सिमरन का है, परसों मम्मी का बर्थडे है, कल रात को एक और केक कटेगा घर पे, परसों ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक गिफ्ट आया, पर ये मुझे नहीं पता कहाँ से आया, कोई नाम नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं है। भाई साहब किसने भेजा प्लीज मुझे इंस्टा पे या मैसेज कर दो, बता दो किसने भेजा, हमें नहीं पता। चॉकलेट और बुकेस है, घर पे आया है नहीं, ऐसा नहीं बताता, ये भी उन्होंने ही भेजा होगा, थैंक यू बोल दो। अरे ये उन्होंने ही भेजा है, ये अलग अलग वो केक वहाँ से, केक वाले से आया है और बुके वहाँ से आया है, ये समझ गए। आई लव यू, क्या कर रहे हो, उठ गए हो क्या आप, आज छुट्टी थी आपकी, स्कूल खुले नहीं अभी, कब खुलेंगे, कल से जाना है, वेरी गुड, एक तारीख से स्कूल है आपका, फिर शाम को कहाँ चलना है डिनर करने, कौन से वो बेकार है, उसका खाना अच्छा नहीं था, एक काम करेंगे पर गुजारे चलेंगे, गुजारे मथा टेक के फिर वहाँ से डिनर कर चलेंगे शाम को, ठीक है। मामा मामा क्या करेंगे जाके, वो मामा से अपना डिनर करा ला, उसका बर्थडे उसको अच्छा लगता है ना, चल देखते हैं शाम को चलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है चल। तो बस अभी ऑफिस, हाँ घर से निकला हूँ ऑफिस के लिए, अब ये पहले साइड पे कुछ सामान देना है, वहाँ से फिर ऑफिस, फिर शाम को 7 बजे तक वापस आ जाएंगे, सिमरन का बर्थडे है और गुजारे होके फिर कहीं डिनर पे जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे, वो तो रात को डिसाइड हो पाएगा। तो काम सारा अभी कंप्लीशन पे ही है, ऑलमोस्ट काम खत्म होने की कगार पे है। तो स्कूटर पे जाते जाते भाई साहब एकदम बारिश में फंस गए, अब मेट्रो का सहारा लेके मेट्रो के नीचे खड़े हैं, जब बंद होगी तभी निकलेंगे, मैं और पापा फंसे हैं पूरी तरह से।
भाई साहब मैं और पापा स्कूटर पे आ रहे थे, कहीं गए हुए थे, आप पास में गए थे गाड़ी का लेके जाने थी, मैं कहता स्कूटर चले जाएंगे, वापसी आते थे, इतनी तगड़ी बारिश हो गई ना, फिर हम लोग मेट्रो के लिए छुप गए, तो अब कुछ हल्की बारिश हुई तो मेट्रो के साथ साथ चल चल के आ गए, और फिर हमें वो कोई काम करना था, गाड़ी उठाई और बारिश देखो भाई साहब, मतलब अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मौसम देखो ऐसा हो रहा है जैसे शाम के 8 बज रहे हो, 7 बज रहे हो, मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा और बिजली कड़क रही है, बारिश आ रही है तगड़ी, बेमौसम बारिश है, पर बेचारे जो किसानों की फसल ख़राब हो रही है ना वो बहुत ख़राब हो रहा है, हम तो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर खेतों में जो फसल ख़राब होती है इस मौसम में वो बहुत ख़राब है, तो अभी मैं कुछ काम जा रहा हूँ वहाँ से आऊँगा, आके मेरे को बेल्ट का मेरा ना बकल टूट गया और बकल एक नया लेना है बेल्ट का, वो लेके फिर उसके बाद शाम को 7:30 तक घर चल जाऊँगा, फिर देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट में सिमरन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है सिमरन की, पर मैं कहा हम चलेंगे बाहर घर नहीं खाएंगे, रूवी भी आई हुई है तो बाहर के अच्छे रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के आएंगे। भाई साहब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी देखो पूरा पूरा पानी भर गया रोड पे, निकाले पानी में से गाड़ी बंद ना हो जाए, छोटी गाड़ी है, पूरा पानी है देखो बम्पर तक। राज क्या है ना, हमारे राजेंद्र नगर में ना रामनवमी के खुशी में यहाँ पे शोभा यात्रा निकलनी थी भगवान राम की, और बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम खराब हो गया, इतना मन खराब हुआ ना, मैंने सोचा इतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे शोभा यात्रा में आके, पर बारिश दो तीन घंटे बंद नहीं हो रही, फिर शोभा यात्रा कैंसिल हो गई है पूरी, मैं उसी के लिए ही था, क्या करें भाई साहब, जो भगवान जी को मंजूर है बस वही होगा, और मैं आपको पहले बधाई दे दूँ रामनवमी की, भूल ही गया रामनवमी की, आप सबको आज बहुत 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 बधाई हो। तो अभी क्या हुआ है ना, आज सिमरन का बर्थडे से आपको पता ही है, तो मुझे एकदम से किमरन का फ़ोन आया, पापा मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पाके मम्मा को डॉक्टर में ले जाओ, वो बोल रही है उसको ना एक्चुअली मॉर्निंग से हेडेक बहुत हो रहा था और चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे और पता नहीं वॉमिट्स भी हो गई एक दो, वॉमिट तो उसको मतलब 2-4 दिन से डेली 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 हो जा रही है, और मतलब ब्लॉग में तो इतना शो नहीं कर रही वो, आप देख ही रहे हो, आपको लग रहा होगा ठीक है, पर वो अंदर ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, पिछले 15 दिन से बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ की, और पता नहीं किस चीज़ का उसने स्ट्रेस ले लिया है, मुझे समझ आता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया ना, कुछ सोच में पड़ गई है, डे बाई डे डिप्रेशन में जा रही है एक तरह से मैं आपको बता सकता हूँ। तो अभी फिर मैंने फिर निधि को फ़ोन किया, मेरे को ऑप्शन लगी नहीं क्योंकि ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटे का रास्ता, आजकल हाईवे बन रहा है तो ट्रैफिक मिलता है, तो अभी मैं निधि को बोला, मैं कहा निधि यार मैं ऑफिस में हूँ नहीं, उसकी फ्रेंड है तो उसको प्लीज़ हॉस्पिटल ले जा, मैं आ रहा हूँ, अब निधि उसको हॉस्पिटल ले गई है तो मैं भी सीधा हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेरे को इतनी टेंशन हो गई है लड़की की, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा यार। थैंक यू निधि, मैं ऑफिस बैठा था मैं आ नहीं पाया, आप ले आए इसको यहाँ पे, अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या बात हुई है? कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि दवाई दी है, अभी देखो ठीक लग रहा है अभी, कुछ नहीं हो रहा, उसका दर्द ही नहीं ठीक हो रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा दर्द, और टेंशन ले लो दिमाग में, ठीक लग रहा है अभी है, 7 बजे के आया, 10:30 हो गए, क्या हो रहा है अभी, कितना दर्द है? डॉक्टर कह रहे हैं एडमिट हो रहे हैं, एडमिट हो जाओ, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया रहेगा, नहीं तो डॉक्टर ने तो बोला था कि एडमिट कर लेते हैं कल, एक दिन भी कल टेस्ट वगैरह कर लेंगे, मैं कहा नहीं वो है तो स्ट्रेस ही और कुछ नहीं है, मेरे को रीज़न पता ही है, तो मैं अभी घर ले आया हूँ, अभी शक्ल देखो क्या हो गई है, सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, आप देखो बर्थडे के दिन हॉस्पिटल पहुँच गया, इससे मैं क्या बोलूँगा आपको, ये देखो पट्टिया बंधी हुई हाथ में, देख रहे हो हालत, क्या बोलोगे अब ऐसा बर्थडे, क्या अभी सोच रहा हूँ, हमने रात को मम्मी को ने बोला कि पार्टी नहीं करेगा, घर पे खाना नहीं बनाएंगे, बाटल के पार्टी उटी करेंगे आराम से, और सीधा आना पड़ा हॉस्पिटल में पार्टी करने, अच्छा लगा आपको, मतलब ये बर्थडे भी आपका याद रहेगा आपको, ऐसे में देखा है ना, याद रहेगा बहुत अच्छे से याद रहेगा, बस छोड़ो क्या लेना देना है आपको, वही मैं समझाता हूँ, समझती नहीं है ना बात को, तो बस अब घर जा रहा हूँ, घर जाके इसको सुलाऊंगा, मेन तो वही सबसे पहला रीज़न, वही करना है काम, बाकी परसों देखेंगे, 2-3 दिन रेस्ट कराऊंगा इसको अभी, बाकी मैं तो आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको व्लॉग अच्छा लगा, तो बस इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करूंगा, एंड करके कल आपको नए व्लॉग के साथ नए दिन के साथ मिलेंगे। एक मिनट, थैंक यू सबको जो जिन्होंने सबने विश किया, बहुत मैसेजेस, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि 4 बजे के बाद तो वैसे ही मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया था, स्टोरी शेयर नहीं की इस वजह से, काफी स्टोरी शेयर करी है, काफी लोगों ने करे है, मतलब जो मतलब कई लोग तो सब्सक्राइबर्स भी आई थिंक न्यू टाइप्स थे क्योंकि न्यू जो आते ना बंदे फॉलो बैक, उन्होंने भी विश किया, तो थैंक यू सो मच, वो तबीयत ठीक ना होने की वजह से सबकी स्टोरी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि दोपहर को 2-3 बजे की तबीयत, क्योंकि 2-3 बजे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी दोपहर को, तो प्लीज़ सॉरी, बुरा मत मानना स्टोरी शेयर नहीं की, तो बाकी आपकी विशेष हमारे साथ है हमेशा, आपका प्यार हमेशा बना रहेगा, तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, कल मिलेंगे आपको नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ, तो अभी के लिए टाटा गुड नाइट।